नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछा गया है कि बेस्ट SWP प्लान म्यूचुअल फंड में क्या है। क्वेश्चन इस तरह से है, बेस्ट SWP प्लान के बारे में वीडियो बनाइए, एग्जाम्पल दीजिए। तो इस तरह से करके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है सौरभ मुखर्जी तरफ से। तो यहाँ पे मैं StarSIP.in में लॉग इन करके और मेन्यू में यहाँ पे छठे नंबर पे, सिक्स नंबर पे SWP पेंशन प्लान को सेलेक्ट करता हूँ। AUM वाइज हमने सेलेक्ट किया है 20 लाख रुपया वन टाइम लिखा है और 12,000 रुपये पर मंथ ऑप्ट किया है। पर मंथ 20 लाख जमा किया, 12,000 पर मंथ लेना शुरू किया। पिछले 10 साल का यहाँ पे रिकॉर्ड यह दिखाया जा रहा है। SBI, ICICI, HDFC और कैनरा AUM देखेंगे 8600 करोड़, 19,000 करोड़, 22,000 करोड़, 57,000 करोड़, छप्पर फाड़ के AUM पड़ा है। उसके नीचे जो है काफी सारा है, लेकिन AUM 2500 नहीं करेंगे, 20 करोड़, 227 करोड़, 351 करोड़ नहीं करेंगे, जाएंगे ही नहीं। छोटा एम मतलब नहीं घुसेंगे, छोटा नदी में नहीं तैरेंगे, समंदर में तैरेंगे, ये समंदर है। SBI इक्विटी हाइब्रिड 20 लाख रखा, इमीडिएट अगले महीने से SWP करना शुरू कर दिया। कितना? 12,000 रुपये पर मंथ। तो 2013 से लेके अब तक 2023 तक टोटल पैसा विड्रॉ कर लिया 15,12,000, और आज बैलेंस बचा हुआ है 71,29,000, 15.83% का रिटर्न है। ग्रांड टोटल जो लिखा है मतलब क्या है इसका, ये बैलेंस वाला और जो SWP मिला दोनों को जोड़ेंगे तो 86 लाख रुपया होता है। दूसरा फंड है ICICI पोटेंशियल इक्विटी एंड डेट, ये भी बैलेंस कैटेगरी में 20 लाख में 12,000 लेना शुरू किया। ये 12,000 रुपया पेरेंट्स को देना है, वाइफ को देना है, बगल में देना है, अगल में देना है, बाहर में रहते हैं, तो कुछ भी एडजस्ट कीजिए आप। 12,000 रुपया मिलेगा तो 15,12,000 मिल गया। अभी जो पैसा बचा बाद में 81 लाख रुपया बैलेंस, और हमारा राम नाम सत्य हो गया। तो 81 लाख रुपया दो बच्चे को दे दीजिए ट्रांसफर नॉमिनी में, बाकी मंथली पैसा किसी को दीजिए, बचा हुआ ज्यादा पैसा अपने खूनी रिश्तों को देना है। अब आगे HDFC हाइब्रिड इक्विटी 20 लाख का 12,000 लेना शुरू किया, उतना ही मिलेगा 15,12,000। एज पर रिटर्न थोड़ा थोड़ा कम होता गया, सबसे टॉप पे था ज्यादा मिला, इसमें कम मिलेगा 70,25,000, दूसरे में कितना था 81 लाख, तीसरे में कितना था 71 लाख। अब लास्ट वाला केंद्रा वाला देखते हैं, यहाँ पे भी 15,12,000 मिल गया, 61 लाख, 71,000 बच गया, 14% के रेट से यहाँ पे रिटर्न मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन करते हैं कि 20 लाख रखा एक बार और 12,000 रुपये पर मंथ लेना शुरू किया, वेरी गुड है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब 15 साल अगर ये चलता रहे खेल, और 10% के रेट से अगर मुझे रिटर्न मिले, ना मिले 15, 14, 13, ना मिले 10% से मिले, तो 21,60,000 ले लूंगा और बाद में बैलेंस बचेगा 38,92,000। ये तो हो गया 10% के रेट से। अगर 9 मिले तो, 9% मिले तो वो तो 12,000 रुपया तो कांस्टेंट है, 21,60,000 ही मिलेगा, 31 लाख बनेगा अगर 9% हो तो। अगर 8 मिले तो, ये सब खुद से करना है, मैं किया हूं तभी कॉन्फिडेंट हूं, आप करेंगे तब आप कॉन्फिडेंट होंगे। 8% के रेट से 24,33,000। अगर एक थ्रेशोल्ड लेवल देख लिया जाए, 7.3 मिले तो 21,60,000 तो आ गया अकाउंट में, उसको खा के पचा गए, 20,30,000 बच गया, मतलब जो दिए थे 20 लाख वो कांस्टेंट बचा हुआ है। तो आप जितना जानते हैं सेफ, सेफर, सेफेस्ट वाला बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये ताम झाम वो आपको दे रहा है, तो लगभग 7.3, 7.5 इस दायरे में वो दे रहा है। लेकिन कहीं इससे ज्यादा मिल गया, 11% मिल गया गलती से, भूले भटके, तो वो 20 लाख रुपया जो लगाए थे 48 लाख रुपया बढ़ गया। अगर 12% अच्छा रिटर्न दे दे तो 59 लाख रुपया हो गया। अगर 13 और 14% का रिटर्न जनरेट करते वो लेने के बाद, वो मिल ही रहा है, तो 87 लाख रुपया यहाँ पे बच जाता है। यही तो मच फंड का खेल है, सेफ, सेफर, सेफेस्ट से निकलेंगे, थोड़ा सा हलचल, थोड़ा सा टेंशन मार्केट का झेलेंगे, तो बाद में इतना पैसा होगा कि खर्च करने के बाद भी थोड़ा थोड़ा बच ही जाएगा। तो इस तरह से करके यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसके कैश फ्लो में भी जाके आप StarSIP में जाके एक एक करके कैश फ्लो भी चेक कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, AMC सेटअप के बारे में पूछना चाह रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है कि म्यूचुअल फंड का AMC सेटअप कहाँ है, कैसे काम करता है, तो ये न्यू इन्वेस्टर को समझाना है। एक्चुअली AMC सेटअप क्या, वो म्यूचुअल फंड स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहे हैं। तो बहुत ही म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर का मैं बड़ा फैन हूँ,
मैं जानता हूं कि पैसा डूब नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है, हरा नहीं सकता है, इसलिए जिंदगी का सारा पैसा यहीं झोंक दिया। ना सोना चांदी, प्लॉट, फ्लैट, ताम झाम कुछ नहीं खरीदा, झोंकता गया झोंकता गया झोंकता गया, 15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया। ये कॉन्फिडेंस जो देख रहे ना आप, वो खोपड़ी बहुत लगाया था 15 साल पहले, सब जगह ऑब्जर्व कर लिया, देख लिया प्लॉट खरीदने वाला का स्थिति क्या है, देख लिया सोना खरीदने वाला कैसे चलता है, कहाँ जाता है, कहाँ घूमता है, सोना सोना है, हो गया है, घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब है, जिंदगी कैसे जी रहा है। 80 साल के एज में भी शटर खोल रहा है क्या, 75 साल एज हो गया टक टुक कर भी शटर खोल रहा है क्या, पूछो तो बोले घर कैसे चलेगा, 75 साल के एज में बोलते हैं घर कैसे चलेगा, तो क्या किया फिर। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं, आप हैं इन्वेस्टर, हम सब लोग जैसे ही पैसा देंगे तो किसी के पास अकाउंट में नहीं चला जाएगा, वो जाएगा कस्टोडियन के पास। कस्टोडियन क्या होता है, अगर आपका अकाउंट SBI में है या आप SBI म्यूचुअल फंड खरीद रहे हैं और SBI म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए पैसा दिया, तो वो पैसा दूसरे बैंक में चला जाएगा, सिटी बैंक हो सकता है, HDFC बैंक हो सकता है, एक AMC अगर SBI है उसका कस्टोडियन कोई और होगा, HDFC म्यूचुअल फंड है उसका कस्टोडियन कोई और होगा, HDFC बैंक नहीं हो सकता है, ICC म्यूचुअल फंड है उसका कस्टोडियन ICC बैंक नहीं हो सकता है, कोई और होगा। तो इसका ये हो सकता है HDFC म्यूचुअल फंड खरीदना चाह रहे हैं तो उसका SBI हो सकता है। तो इस तरह से करके इन्वेस्टर का पैसा कस्टोडियन के अकाउंट में है। अब कस्टोडियन के अकाउंट में है, AMC यहाँ पे है, फंड मैनेजर यहाँ पे है, ये इंस्ट्रक्शन देते हैं, ये खरीद लो, वो बेच दो, वो खरीद लो। अब मार्केट में जैसे इंस्ट्रक्शन देंगे, कस्टोडियन का पैसा मार्केट में लगेगा, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वहां से खरीद बिक्री होगा। बगल में एक कार्वी कैम्स है, कंप्यूटर लेके खटखट खटखट लेके बैठा हुआ है। अच्छा, फंड मैनेजर बताया ये लगाना, लग गया, कितना प्रॉफिट हुआ, और रोज कैलकुलेट कर रहे हैं, डेली कैलकुलेट कर रहे हैं। मान लेते हैं कि 2% का प्रॉफिट हुआ, तो खर्चा भी है, सबको बांटना है भाई, खर्चा है। मान लेते हैं कि टोटल एक्सपेंस रेशियो 1.3 है किसी फंड का, एग्जांपल के तौर पे, तो 1.3 तो साल का है, डिवाइडेड में 365 तो डेली हो गया, डेली पॉइंट में कुछ आएगा, एक्स मान लिया उसको। तो कार्वी कैम्प्स का काम है कि एक्सपेंस को काट करके वो बता देंगे, एक्सेल शीट में दे देंगे कि भाई ये इन्वेस्टर का हुआ, ये AMC का चार्जेज हुआ, 1.3 डिवाइडेड बाई 365 एक्स आ गया। अब 2% अगर किसी दिन मार्केट बढ़ा तो उसमें से एक्स माइनस करके NAV डिस्क्लोज कर देंगे, हर फंड के लिए, हर स्कीम के लिए। अगर किसी दिन माइनस में रिटर्न दिया, -2%, तो ये और कम होगा, मतलब जो एक्स है वो और इसमें जुड़ेगा, उतने से NAV कम हो जाएगा, ये NAV डिस्क्लोज हो जाएगा। अब जब पैसा रिडीम करेंगे, इन्वेस्टर रिडीम करेंगे, तो वही कस्टोडियन के अकाउंट से सीधा इन्वेस्टर को आ जाएगा, कस्टोडियन के अकाउंट से सीधा इन्वेस्टर को जाएगा। आप कहेंगे कि म्यूचुअल फंड भाग जाएगा, डूब जाएगा, हरा जाएगा, अरे भाग जाओ भाई, तुम म्यूचुअल फंड हो? हाँ मैं म्यूचुअल फंड हूँ। मचमच फंड भी तुमको बोलता है कोई? हाँ बोलता है, राजू भैया बोलते हैं हमको मचमच फंड, हमको भागना है, भाग जाओ बेटा, पैसा तो यहाँ पे है, क्या लेके भागोगे? भाग गया, मैं डूबना चाहता हूँ, डूब जाओ, पैसा तो यहाँ पे है, मैं हराना चाहता हूँ, हरा जाओ, पैसा तो यहाँ पे है। तो इसीलिए भागने, सहारा भी खत्म हुआ लेकिन बेटे का पैसा कहां पे है? कस्टोडियन के पास, तो खत्म नहीं हुआ, भागना है भाग जाओ, डूबना है डूब जाओ, कस्टोडियन के पास पैसा है, इन्वेस्टर सुरक्षित है। हाँ, इन्होंने जहां पैसा लगाया, जहां पे झोंका, वो मार्केट में कंपनी ऊपर नीचे हो रहा है बाबूजी, तो आपका पैसा भी ऊपर नीचे होगा। आगे बढ़ते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि SIP 1,000 रुपये पर मंथ का कर रहा हूं, यहां पे क्वेश्चन है ये, टिकटॉप अप करना चाहता हूं, मुझे SIP के बारे में किसी और से पता नहीं चला, आपका वीडियो देख करके ही सब कुछ पता किया, ठीक है। अब इसमें टॉप अप करना चाहते हैं, अपना नाम भी बताए हैं, नाम है इनका धर्मेंद्र कुमार मांझी, जमुई बिहार से। अब यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि बीच बीच में टॉप अप करना है तो कैसे करें। अब यहाँ पे आपने फंड का नाम नहीं बताया है, आपने बोल दिया निपोन ले लिया, मोतीलाल ले लिया, ऐसे नहीं बोलना है, आपको फंड का नाम बताना है। आपने ऐसे नहीं बोला है पतंजलि खरीद के लेते आया, बाबा रामदेव को खरीद लिया, अरे क्या खरीदे, पतंजलि में तो सैकड़ों प्रोडक्ट है, पेस्ट खरीदा, मंजन खरीदा, साबुन खरीदा, तेल खरीदा, क्या खरीदा। तो आपने फंड का नाम नहीं बताया, यहाँ पे क्या बोल दिया, मोतीलाल ओसवाल खरीद लिया, अच्छा कंपनी खरीद लिया, और क्या खरीद लिया, निपोन इंडिया खरीद लिया, आगे बताया ही नहीं। उसके नीचे तो 100 तरह का स्कीम है, वो स्कीम तो बताइए, निपोन स्मॉल कैप, निपोन ग्रोथ फंड, मोतीलाल का 35, क्या जो भी खरीदा वो बताना है स्पेसिफिक। तो आगे से क्वेश्चन पूछेंगे तो एज बताइए, कितने समय के लिए रखते हैं वो बताना जरूरी है, क्या आप इससे अचीव करना चाहते हैं वो बताना है, और फंड का नाम बताना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है
कि टॉप अप करना है आप, मैं हमेशा ना टॉप अप वर्ड बोलता हूँ तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नॉर्मल परचेज भी वही मतलब है, वन टाइम उसी फंड में परचेज करना वही बात है, एडिशनल परचेज भी वही बात है, सबका बात एक ही है, चारों का मतलब एक ही है। उसी फंड में जाएंगे, नॉर्मल परचेज, एडिशनल परचेज, टॉप अप, जो भी बोलिए वही एक ही बात है। अब कब कब खरीदना है, जब जब आपको 5 से 10% गिरता हुआ नजर आए तब पैसा झोंक दीजिए, लेकिन जब झोंकें तो याद रखें 5 साल 10 साल उस पैसे का जरूरत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोलते हैं, राजू भैया स्मार्ट SIP क्या है, इसका फायदा है नुकसान है? एक और खतरनाक क्वेश्चन, खोपड़ी का ब्लूटूथ ज्यादा ऑन है। स्मार्ट SIP, अब MC क्या बोलते हैं कि 10,000 रुपये पर मंथ का SIP करता हूँ, ये तो नॉर्मल है, ये तो सब कोई कर रहा है, हम कुछ ज़्यादा अच्छा बताएंगे तब तो आप हमारे पास आएंगे, तो नया चीज़ लाया मार्केटिंग, 10,000 रुपये पर मंथ कर रहे हैं तो साल का कितना हुआ, 1,20,000। ऐसा कीजिए आप हमेशा 20,000 रुपये मेंटेन करके रखिए अकाउंट में, मेंटेन 20,000 करना है, यानी कि सेविंग अकाउंट में हमेशा आपको 20,000 रखना है या 25,000 30,000 रखना है, वो MC बताएगा आपको, कटेगा आपका पूरे साल में 1,20,000 ही। तो यहां बोलते हैं जब जब मार्केट हाई होगा, हाई होगा तो कम खरीदेंगे, यूनिट कम खरीदेंगे, प्राइस ज्यादा है तो कम खरीदेंगे, जब जब लो होगा तब तक ज्यादा खरीदेंगे, इससे आपको फायदा होगा। मेरा कहना है बेटा जी ये बताओ कैसे पता चलेगा कि हाई है कि लो है, अभी बता दो क्या है, ये हाई है लो है क्या है, पता कैसे चलेगा? अगर ये वर्ड जो पता किसी को चल जाए ना, हाई है लो है, तो किसी को काम करने की जरूरत नहीं। ये MC चक्करबाजी, मीटिंग करना, फंड मैनेजर यहाँ बुलाना वहाँ बुलाना, अलग अलग शहर में फंड मैनेजर कंपेन करने के लिए जाते हैं, हमारे जैसे लोग को बुलाते हैं, इतना मेहनत, जिसको पता है कि हाई और लो कुछ भी नहीं करना है, चाल चले सादा निवे बाप दादा। कौन सा निवे बाप दादा, ये देखिए कौन सा फंड बोल रहे हैं लेने, ये देखिए यहाँ पे ऐसे देखिए, ऑल इक्विटी 22 साल में, पिछले 22 साल में मात्र 2,000 रुपये पर मंथ झोंकता गया। फंड आया निपोन इंडिया ग्रोथ फंड 2001 से लेके अब तक झोंकते गया, पैसा झोंक दिया 5,28,000 झोंका गया, 81,96,000 बना है 21% के रेट से। स्मार्ट SIP, ये SIP, वो SIP, टॉप अप SIP, सब धराशाही है। अब मान लो 2-4 लाख रुपये ज़्यादा हो भी जाएगा तो क्यों पंगाबाजी में पड़ना है, आपको मेंटेन ज़्यादा करना पड़ेगा ना पैसा, ये सब अमीरों का चोचलबाजी है, साधारण तरह हमारे तरीके से जीना है, नॉर्मल SIP करते रहिए, कम्बल तान के सो जाइए, धूप में सोइए, फल खाइए, DIP डाइट पे रहिए, बीमार मत पड़िए, छोटा छोटा शुगर BP का है सब खत्म उड़ा दीजिए, ऐसे चलते रहिए। दूसरा फंड है फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा, 5,28,000 झोंका, 63,92,000 बन गया, क्या दिक्कत है, 19% का रिटर्न मिला है। फिर 19% का एक और फंड है ICC पोटेंशियल FMCG फंड, ICC पोटेंशियल टेक्नोलॉजी फंड, HDFC फ्लेक्सिक है, मेरा फेवरेट फंड है, 5,28,000 जमा किया, लगभग 59,00,000 रुपये बन गया। इस तरह से करके झोंकते जाना है, जिसमें AUM ज़्यादा है, नीचे वाला देखेंगे, नीचे वाला सबसे नीचे कौन है, वही होगा जिसमें AUM कम है, 177 करोड़ रिटर्न 10%, चलो बैंक से अच्छा है, 34 करोड़ टॉरस का म्यूचुअल फंड का 10%, कौन सा फंड, टॉरस लार्ज कैप ब्लू चिप, LIC फ्लेक्सी कैप AUM 420 करोड़, बिल्कुल नहीं जाना है, नंबर पे ही खतरा है, 10% का रिटर्न दिया है, 10.5% का रिटर्न दिया है। ऊपर वाला देखिएगा तो कितना रिटर्न मिला है, जिसमें AUM सबसे ज़्यादा है, AUM ज़्यादा मतलब एकदम खोपड़ी वाला फंड मैनेजर, तगड़ा वाला, सब की % उस पर लगा हुआ है, भाई NAV बढ़ना चाहिए, घटने का तो बात ही नहीं लेना, अगले दिन नौकरी से निकाल दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखते हैं क्या क्वेश्चन है, कि अगर प्रोबेबिलिटी हो जाए कि इंडियन स्टॉक मार्केट जो है जापान की तरह बिहेव करे तो हमारा कैसे पैसा क्या होगा, पिछले 20-25 साल में ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, जापान जैसा हालत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन है। जापान वाला मार्केट जो है पिछले 20-25 साल से एकदम कुछ भी रिटर्न नहीं, जीरो रिटर्न है, तो क्या होगा। अब जापान का बात करते हैं तो यहाँ पहले इसको देख लीजिए बाबू साहेब को, टॉप के इकोनॉमी में है ये, पहला US है, चाइना है, फिर जापान है, टॉप अमीर कंपनी में जितना भी 250-300 कंट्री है उसमें टॉप 3 में जापान आता है। अब पिछले 20-25 साल से मार्केट ने रिटर्न नहीं दिया है तो वहाँ महंगाई भी नहीं है, क्या मतलब है महंगाई का, महंगाई 20-25 साल से जीरो है, मतलब 50 लाख में कोई घर 20 साल पहले मिलता था तो आज भी 50 लाख का ही मिलता है, 51 लाख रुपया भी नहीं हुआ है, जो कार 10 लाख का मिलता था बढ़िया वाला तगड़ा टाइप
टॉप मॉडल का, वो कार आज भी 10 लाख रुपये मिलता है। तो पैसा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, जितना सेव किए वही काफ़ी है। हम क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि यहाँ पे महंगाई है। तो भाई पैसा बढ़ जाए, हमारा पैसा धीरे धीरे खत्म ही ना हो जाए। यहाँ पे जिनके पास जितना पैसा है उतने पैसे में जीवन यापन पूरा जीवन भर चल ही रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप कहते हैं इंडिया में ऐसा हालत कब होगा? आप वही ग्लास आधा भरा हुआ है आधा खाली है ये बोल रहे हैं कि आधा खाली है। मैं बोलता हूँ, आप पूछ रहे हैं कि मार्केट में ऐसा हालत हो जाएगा तब मार्केट में कोई रिटर्न ही नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ कि आप जापान कब बनना चाहते हैं? उतना राइज कर जाएंगे, टॉप 3 टॉप 4 में हम आ जाएंगे, तो फिर पैसे का जरूरत क्या है? इन्फ्लेशन का जरूरत क्या है? ग्रोथ का जरूरत क्या है? तो यहाँ तक आने दीजिए ना, मैं क्वेश्चन पूछूँ जापान कौन कौन बनना चाहते हैं, सब हाथ खड़ा कर देंगे, चूल्हा के भाड़ में जाए मार्केट। क्या मतलब मार्केट जिंदगी जीना है भाई? मार्केट क्या चीज़ है? मार्केट हमारे लिए बना है, हम मार्केट के लिए थोड़ी बने हैं। तो ये सब पहले ग्रोथ होने देंगे, अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है। जब हम वैसा हो जाएंगे, सारी जगह पे डेवलपमेंट हो जाएगा, सारा ग्रोथ हो जाएगा, सब लोग शिक्षित हो जाएंगे, सबके पास कार हो जाएगा, सबके पास अपना घर हो जाएगा, तब जाके ऐसा स्थिति होगा। जब सब कुछ हो ही जाएगा तो बंद कर देंगे, ताला लगा देंगे मार्केट को, सब हो गया भाई, अचीव हो गया, ताला लगा दे उसको, सब फाइनेंशियल फ्रीडम पा लिया, बोलिए भोले बाबा की जय, सब कोई पा लिया। अब बिना डरे बिना रुके मैक्सिमम कैपेसिटी में आप SIP करते रहिए, नैया पार लग जाएगा। आपको इसी तरह मच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसी तरह कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछते रहिए, हम आप बार बार जवाब देते रहेंगे। आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है, पहली बार इन्वेस्ट करना है, तो एसेट प्लस का ऐप है, भारत में सबसे अच्छा ऐप है। यहाँ पे 2 ऐप है, एक इन्वेस्टर के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। दोनों ऐप का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है, मिनिमम 100 रुपये से शुरू कर सकते हैं, मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। खोपड़ी का ब्लूटूथ ऑन हो तभी मैं बोलता हूँ ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कीजिए, शुरुआत में 100 रुपया 500 1000 रुपया इतना ही कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर घुमाएं, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।